नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कई विश्वविद्यालयों से जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में, साथ ही साथ में जो तकनीकी व पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जो अपडेट आ रही है उनकी भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये आप दोस्तों देख सकते हैं आज के पत्रिका के न्यूज पेपर में है, वो इस न्यूज को प्रकाशित किया गया है। 60,000 विद्यार्थी अंतिम सप्ताह में देंगे ऑफलाइन परीक्षा, जो ये न्यूज आ रही है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से आ रही है। आगे अन्य विश्वविद्यालयों की भी मैं आपको अपडेट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों के विद्यार्थी शामिल, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 1.5 घंटे के होंगे प्रश्न पत्र। यह आप देख सकते हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले संभाग की 4 जिलों उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व सिरोही के 60,847 परीक्षार्थी जुलाई के अंतिम सप्ताह में ऑफलाइन परीक्षा देंगे। ये परीक्षार्थी स्नातक तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष के हैं। इस पर दोस्तों जो RC कुमावत सर है, परीक्षा नियंत्रक है सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के, उनका क्या कहना है आप देख सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार हमने तैयारियां पूरी कर ली है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में हम परीक्षाएं करवाएंगे। मार्च माह में पहले ही हमने टाइम टेबल जारी किया था लेकिन कोरोना के कारण व्यवस्था डगमगा गई थी, लेकिन अब हमने है वो तैयारी कर ली है। यानी दोस्तों मानकर चलिए कि जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम है वो 26 से लेकर के 30 जुलाई के मध्य से आपके प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इससे पहले दोस्तों ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वारा 5 अगस्त से है वो परीक्षाएँ करवाने को लेकर के है, वो पूरा दोस्तों प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उस बारे में भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के आप दोस्तों उसको भी है वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो में दोस्तों 3 बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं आपको, तो तीनों बड़ी अपडेट की जो ऑफिशियल इमेजेस है वो भी आपको दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर है वो वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर अंदर है वो तीनों इमेजेस ऑफिशियल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ऑफिशियल इमेजेस हो चाहे PDF फाइल्स हो वो भी आपको तुरंत मिल सके। ये आप देख सकते हैं आगे सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा परिणाम व अंक तालिका जारी करने में एक रूपता बनाए रखनी होगी। ये क्या क्या करना होगा वो बताया गया है। विद्यार्थियों, कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों का है वो जल्द टीकाकरण करवाया जाना है, लेकिन मुश्किल ये आ रही है कि टीकाकरण के लिए है वो आपके पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो कैसे आप टीकाकरण करेंगे। गत वर्ष की तरह स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर है वो प्रोन्नत किया जाएगा। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को, जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको अस्थायी रूप से अगली कक्षा में 10 जुलाई तक प्रवेश देकर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएगी। परीक्षाएं विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर आयोजित करवाकर 31 सितंबर 2021 तक अंक तालिकाएं दी जाएगी। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है यानी दोस्तों आपके एबस अदम क्वेश्चन आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक यानी जिस प्रकार अभी आपकी परीक्षाएँ होती है विस्तार से, आप अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न पर भी हो सकती है। ये विश्वविद्यालयों पर छोड़ा गया कि वो विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार परीक्षाएं ले सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं गत वर्ष की तरह स्नातक तृतीय यानी अंतिम वर्ष व फाइनल यानी टर्मिनल सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से है वो ऑफलाइन कराकर 30 सितंबर 2021 तक है वो परिणाम जारी किए जाएंगे। स्नातकोत्तर प्रवाद के विद्यार्थियों को भी है वो UG सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की तरह भी प्रोविजनल प्रमोट कर दिया जाएगा, और फिर 31 दिसंबर 2021 तक है वो इनके परीक्षाएं करा करके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। जो स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो भी आपके स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ में प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ में कहा गया है कि जिन कोर्स संकाय व विषयों में कम विद्यार्थी है उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती है, और प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का होगा और आनुपातिक रूप से 50% प्रश्न हल करने की इजाज़त दी जाएगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जिन विषयों में 2 या 3 प्रश्न पत्र होते हैं उन्हें 3 घंटे में एक ही पारी में एक दिन में संपन्न करवा लिया जाए, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं है, विद्यार्थियों के साथ में है दोस्तों बहुत ही गलत किया जा रहा है ये। और जो प्रायोगिक परीक्षाओं का मूल्यांकन है वो भी दोस्तों है वो आपकी फाइल या असाइनमेंट के आधार पर है वो करवाने की बात की गई है। और साथ ही साथ में दोस्तों जो अन्य नियामक संस्थाएँ हैं, चाहे वो विधि को लेकर के बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, BEd, BA, BEd, BSc, BEd को लेकर के नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन हो, उनके जो निर्देश होंगे वो माने जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 15 विश्वविद्यालयों को है वो आदेश जारी किए गए हैं, पिछले वर्ष का है वो हवाला दिया गया है, ये आप देख सकते हैं।
उच्च शिक्षा शासन सचिव एनएल मीणा ने 15 विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किए हैं कि कोरोना में परीक्षा आयोजन को लेकर यूजीसी ने गत सत्र में निर्देश दिए थे। इसमें 6 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य बताई थी। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर निर्णय दिया कि राज्य विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष या टर्मिनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत नहीं कर सकते। यूजीसी इस गाइडलाइन का समर्थन कर 30 सितंबर तक परीक्षाएं करवाने के निर्देश दिए थे। इसी प्रकार उसने निर्देशों के कारण इस बार है वो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की भी है वो परीक्षाएं करवाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों राजस्थान के सभी विद्यार्थी व मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के विद्यार्थियों के लिए आ रही है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से जो अपडेट आ रही है वो भी परीक्षा के लिए कितने तैयार। विश्वविद्यालय जुलाई अगस्त में परीक्षाएं कराने का ऐलान लेकिन तैयारियां आधी अधूरी। 20 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत 13 लाख है। सेस के लिए अभी तक वो टेंडर भी नहीं हुए हैं। यह आप देख सकते हैं दोस्तों प्रदेश के विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के लिए बनी कमेटी के प्रस्ताव के आधार पर उच्च शिक्षा मंत्री ने जुलाई के अंत या अगस्त के प्रथम सप्ताह में परीक्षाएं कराने का ऐलान कर दिया है। भास्कर ने विश्वविद्यालय की तैयारी का जायजा लिया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में करीब 4.5 लाख परीक्षार्थी है। स्नातक प्रथम और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के करीब 1 लाख ऐसे छात्र है जिनकी परीक्षा नहीं होगी, वे पदोन्नत होंगे। शेष करीब 3.5 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षाएं होगी। इतने स्टूडेंट्स के लिए करीब 20 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत पड़ेगी। विश्वविद्यालय ने अभी तक उत्तर पुस्तिकाएं प्रिंट कराने के लिए टेंडर भी नहीं किए हैं। हालांकि पिछले साल विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं प्रिंट करा ली थी लेकिन अंतिम वर्ष को छोड़ से किसी कक्षाओं की परीक्षा ना होने से करीब 13 लाख उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय के पास में है वो जमा है। इसलिए जुलाई और अगस्त में होने वाली परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय को करीब 7 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत है। इसके लिए टेंडर करना होगा। टेंडर में नियम होते हैं कि संबंधित फर्म को 1-2 महीने के भीतर उत्तर पुस्तिकाएं सौंपनी होती है। उत्तर पुस्तिकाओं के बाद दूसरे नंबर पर जरूरत होती है प्रश्न पत्रों की। तो विश्वविद्यालय ने शिक्षकों से प्रश्न पत्रों के पैनल मांग लिए हैं। करीब 1 सप्ताह में पैनल विश्वविद्यालय के पास पहुंच जाएंगे। आने वाले किसी एक पैनल से प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। प्रिंट होने में करीब 2 सप्ताह लगेंगे। ऐसे में अगर अगस्त प्रथम सप्ताह से परीक्षाएं हुई तो प्रश्न पत्रों की भी आसानी से उपलब्धता हो जाएगी लेकिन जुलाई अंतिम सप्ताह में वे तो आनंद फानंद में प्रश्न पत्रों को है वो प्रिंट करवाना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग मानकर चलिए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की परीक्षाएं अगस्त के प्रथम सप्ताह में है वो शुरू होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यह आप देख सकते हैं छात्रों की जो वर्तमान स्थिति है वो 1,75,000 स्टूडेंट्स है दोस्तों। स्नातक के तीनों ईयरों में 25,000 स्टूडेंट है। पीजी अंतिम वर्ष के 1,00,000 स्टूडेंट है वो प्रथम वर्ष के पदोन्नत होने वाले और 50,000 स्टूडेंट लो समेत अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं। और परीक्षा के लिए जो मुख्य तैयारियाँ की जा रही है वो भी आप देख सकते हैं। छात्र संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र और कक्ष, उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता, प्रश्न पत्र, फ्लाइंग स्क्वाड, नियंत्रण कक्ष, पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर और मास्क। उसके बाद में ये भी आप देख सकते हैं कॉलेज में जमा कराएं परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी। ये भी दोस्तों बड़ी अपडेट बता रहा हूँ मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कि जो उन्होंने परीक्षा फार्म भरा था अब उनकी हार्ड कॉपियां हैं वो जमा होनी संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो चुकी है। इसलिए जल्द से जल्द है वो आप दोस्तों परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी जमा करवा दें। यह आप देख सकते हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जो परीक्षा फार्म 5 जुलाई तक ऑनलाइन भरे गए उनकी अब हार्ड कॉपी कॉलेजों में जमा कराना जरूरी है। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव परीक्षा डॉक्टर गिरिराज हर्ष ने बताया है कि परीक्षा की संभावनाओं को देखते हुए 12 जुलाई तक कॉलेज और 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा करानी अनिवार्य है। दूसरे चरण में पीजी प्रथम वर्ष एवं स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के शेष परीक्षा आवेदनों की हार्ड कॉपी भी 30 जुलाई तक जमा करानी होगी। हर्ष ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने वाले सभी परीक्षार्थी निर्धारित अवधि में आवेदनों की हार्ड प्रति संबंधित कॉलेज में है वो जमा करा दे, यानी जो स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी है उन्हें 12 जुलाई तक है वो कॉलेज में और 15 जुलाई तक विश्वविद्यालय में है वो हार्ड कॉपियाँ जमा करवानी है। जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ता है वो 12 जुलाई तक कॉलेज में करवा दें, जिसका एडमिशन विश्वविद्यालय के कैंपस में वो विश्वविद्यालय में जमा करवा सकता है। और जो स्नातक के प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है वो 30 जुलाई तक परीक्षा फार्म है वो जमा करवा सकते हैं। इस बात का वो विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे आप ये भी देख सकते हैं 166 परीक्षा केंद्रों पर है वो 3 लाख विद्यार्थी बैठने वाले हैं और जिनमें दोस्तों केंद्रों में ज्यादा परीक्षार्थी होंगे उनके लिए है वो दूसरे केंद्र भी है वो तैयार किए जाएंगे। विश्वविद्यालय का इस पर क्या कहना है
हैं ये भी आप देख सकते हैं। हम तैयार है परीक्षा के लिए। जो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम चाय चोयल है उनका कहना है कि जुलाई के अंत में परीक्षाएं हो या अगस्त के पहले सप्ताह में उत्तर पुस्तिकाएं हमारे पास अभी पड़ी है, बाकी के टेंडर कर रहे हैं। करीब 13 लाख उत्तर पुस्तिकाएं बची है, हम उनसे परीक्षाएं शुरू करा देंगे। प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है, 30 जुलाई से है वो, पहले हम इसको भी है वो प्रिंट करवा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर भी परीक्षाओं को लेकर के वो पूरी तैयारी कर ली है। तो ये जो बीकानेर संभाग के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। उसके बाद ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो तकनीकी व पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में हालांकि कल ही दोस्तों मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट बता दी थी, लेकिन कई विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये न्यूज़ कहीं फेक तो नहीं है। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आप राजस्थान जनसंपर्क की ऑफिशियल साइट से जाकर के है वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज दोस्तों देख सकते हैं पत्रिका हो, भास्कर हो, नवज्योति हो, सभी न्यूज़पेपरों में भी यह न्यूज़ प्रकाशित हो चुकी है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की परीक्षाओं पर निर्णय, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होगी और बाकी सब होंगे प्रमोट, यह आप साफ साफ देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद तकनीकी विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की परीक्षाओं पर भी फैसला आ गया है। इस वर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को ऑफलाइन या ऑनलाइन आयोजित किया जा सकता है। ये संबंधित तकनीकी जो विश्वविद्यालय है उस पर छोड़ा गया है कि वो किस प्रकार से परीक्षाएँ लेता है, और जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उनके लिए हालांकि कहा गया है कि उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जानी चाहिए। अन्य से समस्त सेमेस्टर या वर्ष के विद्यार्थियों को है वो प्रमोट किया जाएगा। विश्वविद्यालयों की ओर से जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह से है वो परीक्षाएँ शुरू करके 30 सितंबर 2021 तक आपके परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक के जो महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के संबंध में सामान्य निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के अंतर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के तृतीय वर्ष के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षाएं भी जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। 30 सितंबर 2021 तक परिणाम भी जारी हो जाएंगे। पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को विगत वर्ष की भांति परफॉर्मेंस बेस्ड फॉर्मूला के तहत है वो क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। जो आपकी परीक्षाएँ हैं वो 3 घंटे के स्थान पर अब प्रति पेपर 1.5 घंटे की करवाई जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों जो राजस्थान के जितने भी तकनीकी व पॉलिटेक्निक शिक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए आ रही है। तो तीनों दोस्तों बड़ी अपडेट मैंने है वो एक ही वीडियो में आपको वो बता दिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों तथा तकनीकी व पॉलिटेक्निक शिक्षा के विद्यार्थियों तक पहुँचाई, और इन तीनों की दोस्तों ऑफिशियल इमेज देखने के लिए आपको 2 घंटे के अंदर अंदर हमारे टेलीग्राम जो चैनल हमने क्रिएट किया है आज ही क्रिएट किया है ताकि वहाँ पर आपको जो भी ऑफिशियल न्यूज़ हो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो वहाँ पर जाकर के भी आप है वो इनको देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में मैं आपको वो इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।